Hey everyone, welcome back to another video by Viewfinder. I hope you enjoyed our last video unboxing Hero GoPro 10. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ समय पहले हुई एक रिसर्च के बारे में. एक पॉलिश रिसर्च टीम ने लगभग 2000 साल पुरानी प्रेग्नेंट मम्मी को डिस्कवर किया एंड उस पर रिसर्च की. ये रिसर्चर्स 2015 से वॉर्सो मम्मी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और इसी प्रोजेक्ट के दौरान उन्होंने एक प्रेग्नेंट मम्मी को डिस्कवर किया. रिसर्चर्स का कहना है कि स्टार्टिंग में उनको लगा था कि ये एक मेल मम्मी है, पर एग्जामिन करने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि ये एक फीमेल मम्मी है. वो लेडी कौन थी, कैसी थी और कैसे उसकी डेथ हुई, ये अभी तक एक मिस्ट्री है और इसीलिए उन्होंने इसे नाम दिया है मिस्टीरियस लेडी का. इस मम्मी के फीटस की एग्जामिनेशन के दौरान एक सीटी स्कैन किया गया जिसे देखकर सभी रिसर्चर्स हैरान थे. उनका कहना था कि ये जो रिमेन्स थे ये एक हाई स्टेटस वुमेन के थे जो कि लगभग 20 से 30 साल की उम्र की रही होगी और इसकी डेथ अराउंड 1st century BC में हुई होगी. उनका मानना है कि ये एक इकलौता एग्जाम्पल है मम्मीफाइड प्रेगनेंट वुमेन का. रिसर्चर्स का कहना है कि फीटस की एज अराउंड 20 to 30 weeks की थी. एंड सबसे हैरानी की बात सभी रिसर्चर्स के लिए ये थी कि ये फीटस इतने सालों के बाद भी काफ़ी अच्छे से उस मम्मी के अंदर प्रिजर्व्ड था, जैसे कि कोई बॉग बॉडीज होता है. बॉग बॉडीज एक ह्यूमन कैवेंडर्स को कहते हैं जो कि नेचुरली एक ज़्यादा एसिडिक और कम ऑक्सीजन वाले एनवायरनमेंट में बनते हैं. ठीक इसी प्रोसेस से ये फीटस उस मम्मी के अंदर प्रिजर्व्ड रहा होगा और कुछ इसी तरह की प्रोसेस से एंशियंट इजिप्ट में मम्मीज बनाए गए होंगे. नॉर्मली जब ह्यूमंस की डेथ होती है तो उनकी बॉडीज में ब्लड का पीएच काफ़ी कम होने लगता है एंड जिसकी वजह से बॉडी में फॉर्मिंग एसिड बढ़ने लगता है. एंड क्योंकि फीटस एनक्लोज्ड था एंड ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से वो इतने सालों तक प्रिजर्व्ड रहा. रिसर्चर्स का मानना है कि फीटस की आउटर लेयर्स सही तरह से प्रिजर्व रही होंगी बट बोन्स नहीं रह पाई होंगी. उनका मानना है कि ऐसा एसिडिक एनवायरनमेंट्स की वजह से होता है. यही रीजन है कि सीटी स्कैन एंड एक्सरे में बोन्स की कोई एग्जिस्टेंस का साइन नहीं मिला. रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के स्कैनर्स हैं, इसीलिए वो श्योर हैं कि फीटस में बोन्स प्रिजर्व नहीं रह पाई. एंड ऐसा तब हुआ होगा जब उस लेडी को मम्मी बनाया गया होगा या फिर उसके मम्मी बनने के कुछ टाइम बाद, एंड इसीलिए बोन्स गल गई होंगी एंड बॉडी की शेप इंटैक्ट रह गई. और इस समय ये दुनिया की इकलौती प्रेग्नेंट मम्मी है जो मरते टाइम प्रेग्नेंट थी एंड आज भी उसका फीटस प्रिजर्व्ड है. अब सवाल ये है कि मम्मी की बॉडी में फीटस क्यों छोड़ दिया गया, और इसके जवाब के लिए शायद हमें इजिप्ट की हिस्ट्री को ही रिव्यू करना पड़ेगा. हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी. हमारी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल व्यू फाइंडर को एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोज. थैंक यू.